2024 में समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे के साथ आगे बढ़ी और नतीजा ये हुआ कि सपा ने यूपी में इतिहास रच दिया। सबसे ज्यादा 33 सीटें जीतकर बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी में शुमार हो गई। अखिलेश यादव इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अपनी इसी पीडीए रणनीति को मान रही है। यही वजह है उनका अब भी इस पर खासा फोकस है। सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए को आगामी चुनाव में आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। खबरों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में पीडीए की कामयाबी के बाद अखिलेश अगले चुनाव में इसे आजमाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनकी नज़र 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। ये भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में अखिलेश दलित और अति पिछड़े नेताओं को पार्टी में अहम पद और जिम्मेदारियां दे सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को पीडीए को और तेजी से धार देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी वर्गों के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने और पूरी ताकत के साथ उनके मुद्दे उठाने के लिए भी कहा है। इसके अलावा सपा की नज़र बसपा के वोट बैंक पर भी है, जो कि बसपा के कमजोर होने के बाद नए नेतृत्व की तलाश में होगा। सियासी पंडितों का कहना है कि पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के जरिए सपा प्रदेश में सामाजिक समरसता के न्यू इंडिया का संदेश देने की कोशिश में है। खैर, देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी क्या 2027 तक पीडीए के तहत आगे बढ़ेगी और जिस पीडीए की बदौलत उसने लोकसभा चुनाव में झंडे गाड़े, उसी पीडीए के दम पर क्या वो अगले विधानसभा चुनाव में कमाल कर बीजेपी को चारों खाने चित कर पाएगी।